रांची से बड़ी खबर बताया, अजय शाह को सरकार ने पद से हटा दिया है। रांची सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अजय शाह को पद से हटाया गया है। बाल कल्याण समिति में रहते हुए ली राजनीतिक पार्टी की सदस्यता, राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेना पड़ा महंगा। जेजे रूल 2017 के मुताबिक ये नियमानुकूल नहीं है। रांची के डीसी ने अजय शाह से मांगा था स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण के जवाब से विभाग के संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। तो रांची के डीसी ने अजय शाह से स्पष्टीकरण मांगा था और स्पष्टीकरण के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे डीसी। अजय शाह को सरकार ने पद से हटा दिया है क्योंकि इस पद में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की। बाल कल्याण समिति में रहते हुए राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लिया अजय शाह ने। देखिए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सीडब्ल्यूसी का चेयरमैन हो, सदस्य हो, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है। एक्ट ये कहता है दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी वो किसी भी राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। मैंने भाजपा की सिर्फ सदस्यता ली है, भाजपा का कोई भी पद धारण नहीं किया है। यानी झारखंड सरकार ने जो फैसला लिया है मुझे पद से हटाने का, सीडब्ल्यूसी रांची के पद से हटाने का, वो पूरी तरह से इलीगल है, असंवैधानिक है और इस फैसले के खिलाफ जो है मैं माननीय हाईकोर्ट में जाऊंगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।